नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बीते दिनों दुबई के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुए वर्ल्ड कप ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण का लुक भी फीफा वर्ल्ड कप में बिल्कुल अलग नजर आया। बेशम रंग गाने में अपनी बिकनी लुक पर ट्रोल होने के बाद लोगों को लगा था कि दीपिका फीफा में अपने ग्लैमरस अंदाज और लुक से तहलका मचा देंगी, लेकिन फीफा में जैसे ही दीपिका का लुक सामने आया तो लोग एक बार फिर से उनसे निराश दिखे। सोशल मीडिया पर दीपिका का वर्ल्ड कप के फिनाले लुक के लिए दीपिका को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि दीपिका फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी लॉन्च करने वाली पहली भारतीय बनी। ट्रॉफी लॉन्च के दौरान दुनिया भर की नजरें सिर्फ उन्हीं पर ही टिकी हुई थी और लोग काफी गर्व भी कर रहे थे। लोग ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि दीपिका का ये इस बार किस अंदाज में नजर आएंगी, लेकिन दीपिका के लुक को देखकर दीपिका को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। दीपिका ने फीफा वर्ल्ड कप के फिनाले में उनके स्पेशल लुक को उनके खास दोस्त और फ्रेंच फैशन डिजाइनर निकोलस ने क्रिएट किया था। निकोलस साल 2013 से लुइस विटों हाउस के वुमेन क्रिएटिव डायरेक्टर है। दीपिका के लुक की बात करें तो दीपिका ने ढीली ब्लैक पैंट के साथ सफेद शर्ट पहनी थी और साथ ही उन्होंने टैन रंग के लेदर के ओवरकोट को टीम अप किया था। साथ ही स्टेटमेंट बेल्ट भी टॉप अप की गई थी। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए दीपिका ने सटल मेकअप के साथ बालों को स्लीक बन बनाया हुआ था, जिसमें दीपिका काफी खूबसूरत लग रही थी। दीपिका इस ड्रेस में काफी कंफर्टेबल नजर आ रही थी। दीपिका ने फिनाले में लुइस विटों का आउटफिट पहना हुआ था। दीपिका इस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड की ग्लोबल एम्बेसडर भी है। दीपिका की स्कर्ट गाउचेस के पहनावे की तरह थी। वह व्हाइट शर्ट, ब्राउन ओवरकोट, ब्लैक टनल स्कर्ट, ब्लैक बेल्ट, हाई हील बूट्स में दिखी। रेड लिपस्टिक के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था। आप भी देखिए दीपिका पादुकोण का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये लुक।